पढ़ रहे हैं केशव गाउड रोल स्लोनी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं नॉन मानो कि मैं इनको हीट करना शुरू कर देता जितनी जल्दी से वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होकर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आप दोनों पकड़ लो हाँ क्या बात क्या कर रहे हैं इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं अब केशव तुम इसका हाथ पकड़ लो तुम इसका हाथ पकड़ लो अब छोड़ दो अभी यहाँ से तोड़ दो अब क्या है क्या ये ए ए टाइप है और बी ये ए बी टाइप है कैमरे में भी आना है एक जो मोहब्बत पहले केशव और अतुल थी जो वही मोहब्बत अगर इनमें हो जाए पति अब ध्यान सुनना पढ़ क्या बेसिकली हम लोग क्या पढ़ा क्या पढ़ क्या पढ़ रहे हैं केशव गाउड रोल स्लोनी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक एग्जांपल से एक्सप्रेस करेंगे वो जरा ध्यान दें अब जैसे मान लो ये दो आ जाओ आगे आ जाओ ये दो लड़के हैं देख सकते हैं आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा क्या चीज समझा रहा हूं आपको मैंने यहां पर एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि मान लो ये मॉलिक्यूल बीबी मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल सॉल्यूट है और इन दोनों का कलर मैंने सेम रखने की कोशिश की है द रीजन इन दोनों ने एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ा हुआ है होल्ड किया हुआ है तो यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अभी वो है अब मानो कि मैं इनको हीट करना शुरू कर देता हूं है ना एज अ सॉल्यूट हीट करेंगे तो यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ध्यान देने का यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जितने मॉलिक्यूल वेपर्स बनाएंगे और जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टूट कर तभी तो वेपर बनाएंगे या पतले पतले वेपर बन जाएगा नहीं जब टूट जाएंगे तभी तो फ्री होंगे एक दूसरे से तभी तो आने जाने के लिए फ्री है तो जब मॉलिक्यूल टूट जाएगा तो वो फ्री हो जाएंगे और क्या क्रिएट करेंगे वेपर प्रेशर जब वेपर प्रेशर क्रिएट हो गया तो जितनी जल्दी से वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होकर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ये वाला जो हमारा जो कंडीशन ये सॉल्यूट है ये क्या करने लगेगा बॉइल करने लगेगा सेम फिनोमेना आप दोनों को बोलो हाँ क्या बात ये दोनों मॉलिक्यूल देख लीजिए ये हमारे कौन कौन से हैं ए ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है जो रेड वाले हैं अब सेम कंसेप्ट इन पे भी लगेगा इनको भी हीट किया जाएगा ये भी ब्रेक करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इनका एक्सटर्नल प्रेशर किसके इक्वल होगा ठीक अब इंटरनल के इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा अब क्या कर रहे हैं इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं अब केशव तुम इसका हाथ पकड़ लो तुम इसका हाथ पकड़ लो अब छोड़ दो अभी यहां से तोड़ दो हाँ ये बस अभी इधर आ जाओ बस पकड़ लो हाँ अब ये क्या हुआ अब क्या है क्या ये ए ए टाइप है और बी टाइप है क्या नहीं अब ये ए बी टाइप है कैमरे में भी आना है ए बी टाइप है और ये बी ए बी ए बी टाइप है अब सुनो अगर जो मोहब्बत पहले केशव और अतुल में थी जो मोहब्बत केशव और अतुल में थी क्या वही मोहब्बत अगर इनमें हो जाए और इनमें हो जाए अब ध्यान सुनना अगर ये मोहब्बत और ये मोहब्बत ज्यादा है जो पहले वाली मोहब्बतें थी तो बताओ इन्हें हम जल्दी तोड़ देंगे या पहले वाली सिचुएशन से मुश्किल होगा ब्रेक करना होगा मुश्किल होगा ना मुश्किल होगा ना तो जब मैं आपको इंडिविजुअली सॉल्यूट को हीट कर रहा था तो उस टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा तो क्या इंटरनल प्रेशर मेरे को वही मिलेगा जो पहले वाली सिचुएशन में मिला था सोचो बढ़ेगा घटेगा फिर से सोचना पहले जो होल्ड किया हुआ था है ना होल्ड कैसे किया था ऐसे रखो ऐसे ये वाला क्यों उल्टा था यार ऐसे उल्टा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पहले ध्यान देना अब ये टूट गया ठीक है ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो ये वाला ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बने हैं ये अगर स्ट्रांग है जरा ध्यान देना ये वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है जो प्रीवियस बन रहे थे चाहे तो हम इनके बीच में
और इनके इनके बीच में बना रहे थे। तो ये जो अट्रैक्शन है अब जो बना है वो स्ट्रांग है और जो पहले था वो वीक है। अब मैं दो पहले जो 70 पे हिट कर रहा था, सपोज कर लेते हैं पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों के इंटरनल एक्सटर्नल के इक्वल हो रहे थे, तो क्या अब 70 पे इनकी एक्सटर्नल इनके इंटरनल एक्सटर्नल की इक्वल हो जाएंगे? बताओ नहीं। क्यों नहीं होंगे बोलो, कम होंगे या ज्यादा होंगे? क्या ज्यादा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा घट गया होगा? अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा तो एट द सेम टेम्परेचर यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर, लेस और मोर एट द सेम आपने वेपर प्रेशर जो 70 पे आपके पहले मिल रहे थे ब्लैक ब्लैक रेड रेड के जो मिल रहे थे, क्या 70 पे अभी उतने ही मिले होंगे या वेपर प्रेशर कम मिला होगा या ज्यादा? लेस मिला होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया इनका? ज्यादा है, ये छोड़ ही नहीं रहे उस जगह पे, ये बॉन्ड टूटता नहीं है उस टेम्परेचर पे, ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे। जब ये बॉन्ड कम टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, तो ना तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा और ना ही सॉल्वेंट का ऊपर जाएगा। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा नहीं, तो इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेन ही नहीं होगा। तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? मोर हीट, टेम्परेचर बढ़ा, तो आप ज्यादा टेम्परेचर पर जाना पड़ेगा और तब जाकर के क्या मिलेगा? इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल, तो वो चीज बॉइल कर जाएगी। तो अब बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया, तो डेविएशन हो गया नेगेटिव, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला। राउल्स ने एक्सपेक्ट किया था पहले जो अच्छा ऐसे पकड़े हो गए शर्मों की अब ये वाला जो था कंडीशन या जो राउल्स तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, राउल्स तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, राउल्स कह रहे 70 पे क्रिएट हो जाएगा क्या इनका वाली पॉइंट, और फिर हमने इनको मिक्स कर दिया, तो राउल्स के दिमाग में तो वही है कि दुनिया चलती है किससे? राउल्स लॉ से। लेकिन ये क्या कर गए? डेविएट कर गए। पकड़ लो सबको, तेरे को सारे हाथ चाहिए, इसका भी पकड़ ले हाथ, उसका भी पकड़ ले हाथ, एक का हाथ पकड़ा है उसी को पकड़ ले। हाँ अब ये ध्यान दो, तो मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अब अगर ये जो होल्ड किया है, अब उल्टा कर रहे कंडीशन ध्यान से, इसका मतलब डेविएशन मैंने क्या बोला? नेगेटिव, यानी उतना वेपर प्रेशर ना मिलना, तो क्योंकि एक दूसरे की क्या खींच रहे पकड़ के, उड़ने ही नहीं दे रहे, जब वो उठेगा तभी तो वेपर बनाएगा। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? ज्यादा, कभी ये चालाकी करेगा तो कभी ये करेगा, जब ये चालाकी करके कहां जाने की कोशिश कर रहा है? ऊपर, तो बाइसेप ये खींच लेगा, और ये जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये रेड वाला मॉलिक्यूल जो है ये पकड़ के एटम उसको नीचे ले जाए। और तो बात एक ही है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? हानिकारक हो जाएंगे, ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं जाने देंगे ऊपर, जिसकी वजह से हमें राउल्स लॉ से क्या मिलेगा? नेगेटिव डेविएशन। अब एक बात सुनो, इसका उल्टा सिचुएशन, अब वापस आ रहे हैं मॉलिक्यूल अपने अपने रेड रेड कॉम्बिनेशन में और ब्लैक ब्लैक कॉम्बिनेशन में, ये अब फिर से आप ये ए ए मॉलिक्यूल है, मतलब ए एटम ने जोड़ के एक मॉलिक्यूल बना दिया, सही है भाई गंगाधर? अब जो इस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप देख रहे हैं ए ए बी बी या ठीक, अब जैसे ही हमने इनको मिक्स किया, मिक्स करने पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब बना है, ये पहले वाले से कमजोर है। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले ज्यादा हो गया था सॉल्यूशन में, अब कैसा है? कम। तो हम तो जा रहे थे पहले वाले के हीट करने के लिए उसी टेम्परेचर तक, लेकिन भाई ये है कमजोर,
हम आजू बाजू उसके आसपास पहुंचे पहले ही टूट गए, और टूट गए तो क्या बनाने लगेंगे, वेपर्स बनाने लगेंगे। जब तक उस पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पे राउल्ट्स कहता था कि बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तब तक उस पॉइंट पे जाते जाते वेपर प्रेशर जो एक्सपेक्टेड था उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा। भाई वो तो वो हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल पहले ही इक्वल हो गया, इसका मतलब उस पॉइंट पे जाए तो वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स कह रहा था उससे क्या मिलेगा, ज्यादा। और जब ज्यादा मिलेगा तो राउल्ट्स लॉ से डेविएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। तो बात समझ में आई या नहीं आई, ऐसे। थैंक यू वेरी मच।